get up in the car and leave the doubt on the curb. We'll find a beautiful view. There ain't no monsters left in the dark. Then I'm glad I'm here next to you. If you move with your soul and you forget what you're told, then you can win the world. If you dance in the rain and become friends with your pain, then you can win the world. Good morning from Lamayuru. रात को हम यहीं पे रुक गए थे आमची गेस्ट हाउस में और यहाँ से सीधा मुझे दिख रहा है लामायुरु मॉनेस्ट्री। अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड नहीं देखा जिसमें हमने कारगिल एक्सप्लोर किया और कार कैंपिंग किया तो प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन और चेक द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो अभी रेडी हो चुके हैं, वी विल बी स्टार्टिंग आवर जर्नी टुवर्ड्स लेह टुडे। रास्ते में हम लामायुरु मॉनेस्ट्री देखेंगे, आपको दिखाएंगे, आलची में रुकेंगे, जंस्कार और इंदस रिवर का संगम दिखाएंगे, मैग्नेटिक हिल होते हुए जाएंगे, सब देखेंगे और आपको दिखाएंगे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। बट बिफोर आई स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन दैट बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। Lamayuru Monastery is one of the largest and oldest monastery of Ladakh. It has about 150 permanent monk residents, and in the past it had housed up to 400 monks, many of whom are now based in gompas in surrounding villages. The exterior is white in color and is potable from far distances amidst the barren mountains. The interior, on the contrary, is extremely colorful. ओके, ये जो रुइंस दिख रहे हैं दिस इज बेसिकली द ओल्ड गोम्पा ऑफ लामायुरु एंड इसके साथ ही जो ये है दिस इज द न्यू वन। लामायुरु को मून लैंड भी कहा जाता है एंड इट्स मेनली बिकॉज ऑफ द टेक्सचर ऑफ द लैंड। यू कैन सी कितने फोल्ड्स हैं इसमें एंड दैट पोर्शन स्ट्रेट देयर is whiter in color and oh my god, it's numerous folds are there. So this is the place in Lamayuru which is actually known as the moon land. Because of this particular area, the entire region is called moon land. And you can see jo ye texture dikh raha hai land mein, it's not because of any sort of human activity but it's naturally formed like that. Aur yahi hame monastery se dikh raha tha. जब कारगिल में रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ था तो वहाँ पे बोला था कि खालसी में हमारा दोबारा से होगा, रिपोर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। सो राइट नाउ वी हैव रीच्ड खालसी, वी आर एट द खालसी चेक पोस्ट एंड वी आर गोइंग टू शो आर आरटीपीसीआर टेस्ट एंड शायद रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ पे भी होगा। सो लेट्स सी। रैपिड एंटीजन टेस्ट तो इन्होंने नहीं किया, इन्होंने हमारा आरटीपीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट देखा और कारगिल में जो हमने एंट्री करी थी वहाँ से जो स्लिप्स दिए थे उनको देखा। तो मेक श्योर दैट यू कीप दो स्लिप्स सेफ, क्योंकि ये चीज़ अभी तो चलने वाला है पैंडेमिक की वजह से। यू कैन नाउ टेक इट एज द यू नो द न्यू ट्रैवल रूल्स विच इज़ गोना बी देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ खलसी में कुछ लोकल वुमेन ये एप्रिकॉट्स बेच रहे थे, खरीद लिया, 100 रुपये का एक पैकेट लिया, कुछ कम नहीं किया। आई डोंट नो, मतलब सबको यही प्राइस बोले थे, शायद प्राइस ये है, ऐसा ही है, उतना आइडिया नहीं मेरे को एप्रिकॉट के बारे में। बस मुझे इतना पता है कि महंगे आते हैं। और ये रहे ड्राइड एप्रिकॉट,
ये भी खरीदा है, एक फ्रेश एप्रिकॉट एंड एक सनड्राइड एप्रिकॉट। और खलसी से निकल चुके हैं, ये रहा सामने का नज़ारा। ये तो अब कंटिन्यू होगा, लद्दाख में है भाई, लद्दाख में। Don't miss out on the turn for Alchi Monastery from the Srinagar Leh Highway. रास्ता थोड़ा सा मुड़ जाता है and then straight, रास्ता ठीक ही है Alchi Monastery तक, तो लग ही रहा है कि मतलब it's fine, it's not as smooth or as wide as the Srinagar Leh Highway, but it's fine, it's workable. And right now हम जा रहे हैं Alchi Monastery। इतिहास की माने तो कहते हैं कि 10वीं शताब्दी में Tibetan Lama King Yeshe-o ने बुद्धिज्म को फैलाने के लिए 21 स्कॉलर्स को ट्रांस हिमालयन रीजन में भेजा था, बट ड्यू टू द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द रीजन इन 21 में से सिर्फ दो ही बच पाए थे। उनमें से एक थे रिंचन ज़ांगपो। रिंचन ज़ांगपो इज क्रेडिटेड टू हैव एस्टैब्लिश्ड बुद्धिस्ट एक्टिविटी इन लद्दाख रीजन। Alchi Monastery इज वन ऑफ द 108 मोनेस्ट्रीज विच वेर बिल्ट बाय रिंचन ज़ांगपो इन हिज क्वेस्ट टू डिसेमिनेट बुद्धिज्म। हम अल्ची पहुंचे करीबन 1 बजे लंच टाइम, और लंच ब्रेक में मॉनेस्ट्री बंद रहता है, तो हमने डिसाइड किया कि हम लंच कर लेते हैं फिर हम मॉनेस्ट्री जाएंगे। You cannot take photographs or videos inside the Alchi Monastery. So here are lockers where you need to keep your stuff, mobile, camera, everything. Alchi Monastery के अंदर आप photography या videography नहीं कर सकते हो। It's not allowed. Mainly because of the wall paintings that are there, which are more than 1000 years old, तो उनको preserve करने के लिए ये बंद किया हुआ है। इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई, but no issues, लद्दाख आते हो। Alchi is one of the oldest monasteries of the region, skip मत करना, try to come here, you'll feel good about the heritage that our country holds. अल्ची से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं बासगो मॉनेस्ट्री, जो कि ले के रास्ते में ही आएगा। तो कोई भी मॉनेस्ट्री लंच टाइम के लिए बंद रहता है 1 से इधर 1:30 और 2, सो बेटर है कि इधर आप अवॉइड करो, या तो आप वहाँ पहुँचो, अगर उस टाइम पहुँच गए फिर आप लोकल मार्केट में यू कैन ऑल्सो हैव लंच। के थोड़ी देर बाद ही जब आप ले के टूवर्ड्स बढ़ते हो, यू कम टू दिस रोड विच इज लाइक अ स्ट्रेट, लिटरली स्ट्रेट हाईवे, एंड पूरा काफी दूर तक ये दिखता है, एंड माउंटेनियस पाथ होने की वजह से थोड़े से वेव्स भी है, एंड इट लुक्स अमेजिंग एंड एन अमेजिंग स्पॉट फॉर फोटोग्राफी। दिल में फीलिंग आ रही है कि ये वाला मेन एंट्रेंस नहीं है, पर गूगल मैप्स हमें यहीं पे लेके आया है, एंड वी कैन सी दैट इट्स वॉकेबल। लेट्स सी, चढ़ते हैं, थोड़ा एडवेंचर ही हो जाएगा, कहीं गलत जगह पहुंच जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, एंड देन विल लुक फॉर द एक्चुअल एंट्रेंस। That is the Gompa actually. शायद हम पीछे के साइड से कैसे एंटर करेंगे। यहाँ पे स्टेयरकेस बना हुआ है, सो आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन ओनली। सांस फूल रही है, which is very typical of Spiti and Ladakh.
बजे पहुंच गए। अभी देखना चाहिए ना ऑक्सीमीटर लगा के कि ऑक्सीजन कितना है और पल्स रेट कितना है। ये बाजगो मॉनेस्ट्री के सराउंडिंग का जो एरिया है ये मुझे एक जगह की बहुत याद दिला रही है, धनकर मॉनेस्ट्री विच इज इन स्पिति वैली। मॉनेस्ट्री के सराउंडिंग को तो देख लिया लेकिन अंदर नहीं देख पाए बिकॉज इट्स क्लोज्ड, ताला लगा हुआ है। बैड लक देयर। बाजगो मॉनेस्ट्री से हम निकल चुके हैं और नेक्स्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन हमारा है ले। लेकिन बीच में तीन छोटे छोटे स्टॉप्स हैं जैसे मैग्नेटिक हिल, इंद्र संजांस्कर रिवर का संगम और पत्थर साहिब गुरुद्वारा। सो ये तीन जगह देखते हुए हम सीधे जाके रुकेंगे ले में हमारे होटल में। सो दिस इज द स्पॉट फ्रॉम वेयर यू सी द कॉन्फ्लुएंस। विच इज द मैग्नेटिक हिल पॉइंट एंड कहते हैं कि यहाँ पे स्लोप जिस तरफ होती है उसके उल्टे साइड गाड़ी मूव करती है अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल पे रखो तो। Am I right, Arijit? Yes. So let's try it. जो अभी सामने की तरफ स्लोप है तो गाड़ी न्यूट्रल पे है और मैंने ब्रेक छोड़ दिया है एंड यू कैन सी गाड़ी जा रही है पीछे और वो भी मतलब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते हुए। पीछे गाड़ी तो नहीं है रिजित? नहीं, कोई गाड़ी नहीं पीछे। आई थिंक यही है यहाँ का पॉइंट मेन। उस स्लोप में वहाँ पे जो नीचे की तरफ एक डाउनवर्ड हाँ जो लोग खड़े हैं वहाँ पे। लेट्स ट्राई इट देयर, लेट्स सी वेयर यू नो व्हिच साइड डज इट गो। इसमें भी यू नो डाउनवर्ड स्लोप है, लेट्स ट्राई। ब्रेक मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अरे रुक जाए बच्चा है, डर जाएंगे इसके मम्मी पापा। ये देख जा रही है वापस। ओ या, ये डाउनवर्ड स्लोप है बट जैसे गाड़ी हमने न्यूट्रल पे करी इट्स गोइंग बैकवर्ड। सो दिस इज इट अबाउट द मैग्नेटिक हिल। साहिब से निकल गए हैं, दर्शन कर लिया, कड़ा प्रसाद खा लिया हलवा और अभी हम जा रहे हैं ले जो कि फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा आज का। गेस्ट हाउस तक दिखा रहा है 24 किलोमीटर 34 मिनट्स लगेंगे और हम 7:06 तक पहुंचेंगे।
आप देख रहे हो यह है लेह एयरपोर्ट का बाउंड्री। हम लेह पहुंच चुके हैं बट हमारा होटल अभी भी, हमारा गेस्ट हाउस अभी भी 7.3 किलोमीटर दूर है और 15 मिनट लगेंगे वहां तक पहुंचने में। सामने माउंटेन्स के कलर देख रहे हैं आप, सो ब्यूटीफुल, एकदम लाल होके रखा है। So that's all about our experience of reaching Leh by road from Delhi, cumulated in 3 episodes. Thank you for watching them. In the next episode, I'll take you around Leh and also tell you how you can hire a bike for adventures in Ladakh. Stay tuned and keep watching my videos. And if you like this video, then please hit that like button and share with your friends and family. Until next time, bye-bye.